ये गाड़ी हमने रेंट कर ली है, अब निकलेंगे सीधा होटल की तरफ। आज हमारा कुछ बनाया बनाया प्लान थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि ड्यू टू कोविड आधी प्लेसेस ओपन है, आधी प्लेसेस ओपन नहीं है। कुछ को तो हमने फ़ोन करके पूछ लिया है, लेकिन आधी प्लेसेस पे विजिट करके ही पता चल रहा है कि ओपन है कि नहीं है। तो जो हमने डिसाइड की थी वो प्लेसेस हम सारी तो विजिट नहीं कर पाए, लेकिन ट्राई करें कि एज़ पॉसिबल एज़ कितनी प्लेसेस कवर अप हो जाए। होप तो यही कर रहे हैं कि मोस्टली प्लेसेस ओपन रहे। अभी निकल रहे हैं सुबह, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज हम जाने वाले हैं जू, और उसके बाद हम कवर करेंगे मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस के बाद हमारा प्लान है जो है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन का मैंने बहुत सुना है मैसूर में कि बहुत ऑसम गार्डन है, उसके बाजू में एक मैसूर का बहुत सही सही डैम लगता है। सो गाइस निकल गए होटल से, और अभी नीचे चल के कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के ब्रेकफास्ट करेंगे। और बस यही था आजू बाजू का नज़ारा। ये आ गए हम एंट्री गेट पे। टिकट्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। टिकट्स प्राइस है पर पर्सन 70 रुपीज़। ऐसा कहा जाता है कि पुराना पैलेस चंदन की लकड़ियों से बना था। ईयर 1897 में कुछ दुर्घटना के कारण इस पैलेस में आग लग गई थी। उसके बाद इस नए पैलेस को बनाने में 42 लाख का खर्चा आया था, यानी कि 42 लाख स्पेंड किए गए थे। कंस्ट्रक्शन में पूरे 15 साल लगे थे। 1897 से स्टार्ट होकर 1912 में ख़त्म हुआ था। ये पैलेस हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। और ये है पैलेस का मेन गेट, जो कि हमेशा क्लोज ही रहता है। पब्लिक्स को आने के लिए दो अलग से एंट्री गेट्स हैं। और यहाँ पे आपको बग्गी राइड और गाइड्स दोनों मिल जाते हैं, जो कि आपको पूरा पैलेस घुमा के उसकी हिस्ट्री पूरे डिटेल्स में बताते हैं। उसके चार्ज अलग से होते हैं। पैलेस के अंदर शूज़ और चप्पल अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आपको चार्ज किए जाते हैं 2 रुपीज़ पर पर्सन। एंटर करते ही आपको ये बेहतरीन पुराने आर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और ये पैलेस के सामने लगी 7 तोपें, इसे दशहरा पे निकाला जाता है और इसे चलाया भी जाता है। और ये पैलेस में अंदर जाने के लिए 2 छोटे गेट्स पैलेस के बीचों बीच, जो मेन गेट को कनेक्ट करते हैं। और ये भी आम लोगों के लिए नहीं खुलते, हमेशा से बंद ही रहता है। इन्हें सिर्फ दशहरा सेलिब्रेशन पे ही खोला जाता है। और ये 84 यानी कि 84 kg का सिंहासन, जिसको हाथी के ऊपर रखा जाता है और उसमें राजा बैठते हैं।
और ये है महल का सेंटर हॉल। ये नज़ारा देख के एक्चुअल जो रॉयलनेस नज़र आ रही थी ये पैलेस की। और ऊपर से जो आप फ़ैन देख रहे हैं वो भी पुराने टाइम्स के फ़ैन है ये। ये नज़ारा देख के ऐसा लग रहा था जो व्यूज़ का मज़ा है शायद ही आपको वीडियोस में आ रहा होगा। जो एक एक डिटेलिंग्स बनी थी बहुत एकदम ऐसा लग रही थी कि बहुत टाइम ले लेके बनाया। और ये सिल्वर चेयर्स और सिल्वर मिरर हैं और ये बीच में हाथी के दांत हैं एलिफेंट टीथ। ये सारे के सारे गोल्ड के हैं और ये दशहरा के दिन हाथी पे लगाए जाते हैं, एलिफेंट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। बस तो फिर पैलेस घूम के हम निकल चुके थे पैलेस के बाहर। पैलेस घूम के हम जल्दी ही बाहर आ गए थे तो अभी लाइट शो स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम था, तो लाइट शो स्टार्ट होने तक हमने यहीं वेट कर लिया और चाय के साथ हमने सनसेट का भी मज़ा लिया। सो हेलो गाइज, हम निकल चुके हैं मैसूर पैलेस घूम के। कि आपके दिमाग में कहीं छोटा सा भी ख्याल है कि मैसूर आना है तो डेफिनेटली आँख बंद करके आ जाइए, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई, रोड्स, खाना बहुत
खाने में क्या बोलते हैं कि मेरे को बहुत टेस्टी लगा यहाँ का खाना। ओवरऑल जो है मज़ा पैलेस में बहुत आया, क्योंकि उसकी जो छोटी छोटी पुरानी डिटेलिंग्स थी और जो स्टोरीज वगैरह थी बहुत सही लगी मेरे को। तो ज़रूर आइएगा आप भी।